हाई ब्यूटिफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू, और ये है आपके लिए नई रीडिंग आपके लिए कौन आ रहा है इन द ईयर 2022। सो काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आ गई फ्रेंड्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक विंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicwinstarot.com। ऑल्सो फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो टाइमलेस है फ्रेंड्स, कभी भी देख सकते हो, पूरे ईयर के लिए है फॉर अर्थ साइंस के प्रिकॉन वर्गो टॉरस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में स्पेशली। लेट्स सी फॉर अर्थ साइंस के प्रिकॉन वर्गो टॉरस, बाकी के साइंस मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो आप चेक कर सकते हो। लेट्स सी द थीम, पहले अर्थ साइंस आपके लिए क्या थीम है। द लवर्स एंड द टेन ऑफ कप्स, सो वाह, आई डू फील इस ईयर में आपको काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है आपका ये ईयर, काफ़ी सारे रोमांटिक मूमेंट्स आ रहे हैं आपकी तरफ। आई ऑल्सो फील काफ़ी सारी चॉइसेस आ रही हैं आपके लिए प्यार में, सो येस अर्थ साइंस यू हैव चॉइस इन लव। टेन ऑफ कप्स, आई डू फील कि आपके शादी के चांसेस हैं, आप लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ढूंढ रहे हो या कोई ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे यू नो प्यार मोहब्बत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म की चांसेस हैं। आई डू फील कि आप काफ़ी लोगों को डेट करोगे इस ईयर में या काफ़ी लोगों को जानोगे पहचानोगे, जस्ट टू नो हु कैन, आपको कौन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता है। जो भी आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा वही आपको पसंद आएगा। आई ऑल्सो फील लव जो है वो फैमिली के थ्रू भी मिल सकता है आपको, यू नो लाइक फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, फैमिली रिलेशनशिप्स में आपकी हीलिंग होना, लड़ाई झगड़े कम होना एंड मैरिज प्रपोजल्स आना। सो यही अर्थ साइंस, वेरी नाइस। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो आई डू फील के यस, ये काफ़ी डेस्टाइंड ईयर है आपके लिए, सो देर इज़ अ वेरी स्ट्रांग चांस आप जिन भी लोगों से मिलोगे वो आपके लिए डेस्टाइंड है इस ईयर। ऑल्सो फेट एंड डेस्टिनी बहुत हाई है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग है, सो रिलेशनशिप्स में आपके लिए एक नया डॉन है, एक नया परवाज है, एक नई उड़ान है। सो इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर यू अर्थ साइंस केप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तब भी आपकी लाइफ के अंदर जो है काफ़ी रोमांस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है और एक नई तरह की आशा की किरण। सो लेट्स सी हु इज कमिंग फॉर अर्थ साइंस इन द ईयर ऑफ 2022। ऑलराइट, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी पर्सन, द चैरियट, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं डेफिनेटली, जैसा मैंने आपसे कहा ही था काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और आप एक्चुअल में उनको चूज़ करोगे फ्रेंड्स, यू विल सी अ फ्यू पीपल, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, यू वांट समबडी यू कैन मैरी और लिव विद, यू नो जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, आपकी फैमिली भी अग्री करे, सो यू वांट समथिंग दैट्स लॉन्ग लास्टिंग। तो आप काफ़ी सारे इसीलिए लोग लग रहे हैं जो आ रहे हैं आपके लिए और कुछ ना कुछ डेस्टाइन है, जस्टिस भी आया है। लेट्स सी ऑलराइट, सो आई डू सी स्टार्ट ऑफ द ईयर के अंदर कोई एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे या केप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस पर्सन, आप दोनों अर्थ साइंस या हो सकते हो या कोई एयर साइन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। आई डू फील के स्टार्ट ऑफ द ईयर के अंदर जो आपके लिए लव है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो या तो कम्युनिकेशंस होंगी या नहीं होंगी, ऐसा लग रहा है इधर एंड और सिचुएशंस हैं, यू नो काफ़ी फास्ट लग रही है आपकी लव लाइफ, काफ़ी फास्ट आपकी रिलेशनशिप्स रहेंगी, काफ़ी फास्ट आप डिसीजंस लोगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर, सो यू डोंट वांट टू वेट, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, काफ़ी जल्दी है। ऑल्सो हो सकता है काफ़ी सारे लोग आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर में मिले लेकिन शॉर्ट टर्म रहें वो रिलेशनशिप्स, या बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, फास्ट फास्ट फास्ट। आई ऑल्सो फील के कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में विद एन अर्थ साइन और एन एयर साइन। काफ़ी फास्ट लग रही है आपकी लव लाइफ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों बिजी हो सकते हो, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो आप ऐसे पार्टनर को डेट करो जो बहुत बिजी रहते हैं, या आप दोनों ही बहुत बिजी हो, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ बिजीनेस। आई सी के यू नो आप लोग डिस्कस कर रहे हो हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, कैसे टाइम निकालें, सो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लव लाइफ विद योर वर्क लाइफ। लेट्स सी व्हाट एल्स विल हैपन।
या आई डू सी एरीज लियो सैज पर्सन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और कोई एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी, सो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, चॉइसेस मिलने वाली है अर्थ साइंस आपको, कंग्रेचुलेशंस। आई ऑल्सो फील कि आपके रिलेशनशिप्स में पैशन रहेगा और कम्युनिकेशंस भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरे साल इस ईयर में चॉइस रहेगी कि पैशंस को चूज़ करें या इमोशंस को चूज़ करें, कौन सी रिलेशनशिप को चूज़ करें। आई थिंक जो रिलेशनशिप आपके सब कुछ दे, यू नो, थोड़ा थोड़ा, वही आपको चूज़ करनी चाहिए जो आपके दिल के करीब हो। फोर ऑफ कप्स, या आई डू फील ऐसा हो सकता है अर्थ साइंस के आप किसी के साथ हो लेकिन फिर भी आप किसी और को मिस कर सकते हो इस ईयर में। आई डू फील के मिड ऑफ द ईयर में ऐसा हो सकता है आपको लगे कि यू नो यू आर मिसिंग समबडी जो आपकी लाइफ में नहीं है, या आपके पास लोग हैं लेकिन आपको कुछ और ही चाहिए। सो लेट्स सी द मिड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, जस्टिस की एनर्जी है, सो कोई अगेन एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई ऑल्सो फील अगर आप थर्ड पार्टीज़ में हो तो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ में हैं, तो आपको मिड ऑफ द ईयर में काफ़ी ज़्यादा यू नो क्लैरिटी मिलेगी, ब्रेक थ्रूज मिलेंगे। आई डू फील के कोई पर्सन, अगर यू नो आई डू फील कि आपका किसी से पास्ट लाइफ कर्मा है जिनसे आप इस ईयर में मिल रहे हो, तो वो जो पास्ट लाइफ कर्मा या इश्यूज़ हैं, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स हैं, वो मिड ऑफ द ईयर में सेटल डाउन होंगे, क्लैरिटी मिलेगी, ब्रेक थ्रूज, मिराकल्स मिलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस मिलेंगे। सेवन ऑफ वॉन्स, यस, यू शुड नॉट गिव अप अर्थ साइंस अपनी लव लाइफ पे, बिकॉज आई डू सी कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे डेस्टाइन स्टार्स हैं इस ईयर। हर्मिट, यस, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है मिड ऑफ द ईयर सिंगल अर्थ साइंस को, कि आप थोड़ा संयम रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो और कम्युनिकेट पूरा करो। मन में बातें रखोगे तो और चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अच्छा से कम्युनिकेट करते गए तो चीज़ें और अच्छी होंगी, बैलेंस आएगा आपकी लव लाइफ के अंदर। लेट्स सी द एंड ऑफ द ईयर। वाओ, एंड ऑफ द ईयर इज़ अ मैरिज कार्ड, सो आपको डेफिनेटली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स मिल सकती हैं, मैरिज के बहुत हाई चांसेस हैं, सेटलिंग डाउन के मैरिज के एट द एंड ऑफ द ईयर। आपकी लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल, बहुत पैशनेट रहेगी और बहुत ही आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहोगे, यू नो, जल्दी आपकी रिलेशनशिप्स में पेस रहेगी, पैशन रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैज, यस, आई डू फील कोई फायर साइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल्सो बहुत पैशनेट रहेगी आपकी लव लाइफ, सो सॉरी, सी हाउ पैशनेट यू गाइज आर, सो काफ़ी पैशन रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड द मून, यस, इमोशंस और पैशंस दोनों काफ़ी रहेंगे, काफ़ी आपकी लव लाइफ में बहुत इस बार बहुत डेस्टाइंड है, बहुत सारी पावर है, बहुत सारा प्यार है, रोमांस है, पैशन है, चॉइसेस तो आपके पास ढेर सारी हैं। लेट्स सी एडवाइस क्या है अर्थ साइंस आपके लिए, इतनी सारी चॉइसेस है, कैसे चूज करोगे आप लोग, क्या चाहिए आपको। चलो एडवाइस से देखते हैं, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर अर्थ साइंस फॉर द ईयर 2022। ओह, बेस चक्र, थ्रोट चक्र, अगेन पैशन एंड कम्युनिकेशंस। सो आई डू फील कि आपको बहुत सारी रिलेशनशिप्स मिल सकती हैं, या आपकी हर रिलेशनशिप में एक चॉइस है कि आप में उसको पैशन की तरफ से देख सकते हो या कम्युनिकेशंस की तरफ से। आई डू फील इस ईयर में आपको ज़रूरी है अपने दिल की बातों को कम्युनिकेट करना, दिल में प्यार है तो उसको शेयर करना, और ज़्यादा लस्टफुल कनेक्शंस की तरफ ना जाके प्यार और मोहब्बत की तरफ जाना है। ऑल्सो फील कि आपको चॉइसेस तो मिलेंगी, लस्टफुल कनेक्शंस, दिल वाले कनेक्शंस। ओह माय गॉड, मुझे लगा ही था कि एक और चक्रा कार्ड आने वाला है, क्राउन चक्रा। अर्थ साइंस, माय गॉड, आप जिस भी रिलेशनशिप में रहोगे उसमें बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी रहेगी आपके लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यू नो, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे अपने लवर से, अपने सोलमेट से। ऑल्सो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आ रहा है आपके लिए इस ईयर में, सो येस, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। 157 इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 157 मंथ्स भी हो सकते हैं, जनवरी, 7th इज़ द जुलाई एंड 5th इज़ जून, राइट, नो, राइट, मे, या मे। लिसन द हाई प्रीस्टेस, या आई डू फील के आपको ना कहने और सुनने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस साल प्यार में, सो यू नो, सुने भी आप दिल की और कहें भी आप दिल की, सो काफ़ी डेस्टाइंड आपका ईयर लग रहा है, सो लेट्स सी वॉट एल्स। बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स, ये रीडिंग सेव कर लो, मेरे को पता है बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप बाद में देखोगे, इससे भी अच्छा सेव कर लो। ओके, लेट्स सी,
हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया बताओ मुझे। आप लोग कहीं गए थे घूमने? हमने तो घर पे ही सेलिब्रेट किया फ्रेंड्स, बिकॉज अभी भी मुझे नहीं लगता स्थिति ऐसी नहीं है बाहर कि आप हम लोग जाएं और भीड़ लगाएं, ये सब करना सही नहीं है। कैन पे अटेंशन टू योर हेल्थ, येस आई डू फील के हेल्थ का अपना ध्यान रखना चाहिए आपको, या हेल्थ पे आपका टाइम जा सकता है इस ईयर। जून, येस जून इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको कहा भी था। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, आई डू फील आप लोगों को प्यार मोहब्बत मिलने वाली है, तो क्राउन वहाँ से। पे अटेंशन टू योर वर्क, वर्क लाइफ या करियर जो है अफेक्ट करेगा आपकी लव लाइफ को। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अ पोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। येस आई डू फील फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल हो बहुत लंबे समय से तो डू नॉट गिव अप। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, सो प्यार मोहब्बत आ रही है आपके लिए। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स, या काफ़ी सारे लोग आपके पीछे हैं फ्रेंड्स, आप किसको हाँ बोलोगे? यू नो आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, लाखों हैं निगाहों में जिंदगी की राह में। सो काफ़ी लोग हैं आपकी, यू नो लाखों हैं निगाहों में, सो काफ़ी लोगों की निगाहों में हो आप। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, सो अच्छा ईयर रहेगा रोमांस के लिए, लाइट हार्टेड फ्रेंडशिप्स रहेंगी। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आप प्यार मोहब्बत में प्रॉब्लम्स भी ओवरकम कर लोगे। ग्रेट हैप्पीनेस, ओहो क्या बात है। एरो, यू कैन, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग, यस आप सही रास्ते पे हो अपनी लव लाइफ को लेके। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी विल ईदर फिजिकल और इमोशनल विल कम टू एन एंड। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, या काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी आपके लिए प्यार मोहब्बत की। मार्च इम्पॉर्टेंट है, जून इम्पॉर्टेंट है। विश, आपकी प्यार मोहब्बत की विशेज ग्रांट होंगी। हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, या थोड़ी सी मुश्किलें मिड ऑफ द ईयर में आएंगी। ग्रॉस ऑफर, यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ, येस आई डू फील कि लव और वर्क में बैलेंस करना ज़रूरी है। फोर्सेज वर्किंग अगेंस्ट यू, या कई बार आपको मिड ऑफ द ईयर में लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, हमारे विरुद्ध क्यों हो रही है सब चीज़ें। मार्च और दिसंबर दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अनाउंसमेंट, येस कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, न्यूज़ आएंगी आपको इस ईयर में। बटरफ्लाई, अ चेंज, येस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड लवर्स एंड सोलमेट्स आ रहे हैं, सो गेट रेडी। एंड कॉबवेब, सम प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस। आई डू फील कोई पास से भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो पर्सन भी आएंगे, या उनके साथ आप जो है डिस्प्यूट्स या लड़ाई झगड़े या कोई कोर्ट केस है तो वो आप ज़रूर रिजॉल्व करोगे इस ईयर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बी केयरफुल, डू नॉट टेक द रिस्क। या इस ईयर में फ्रेंड्स आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए और थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सिंह, बाय।